हेलो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही सेंसिटिव से टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि है अबॉर्शन। अबॉर्शन यूजुअली सभी लोग जिंदगी में कभी ना कभी हर कपल को जरूरत पड़ ही जाती है। कई बार अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज के कारण होती है, कई बार अन एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज के कारण ऐसी जरूरत पड़ जाती है, तो कई बार ऐसी कोई स्थिति होती है कि जिसे हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते। हमारे घर में ऐसी कोई समस्या होती है कि हम प्रेगनेंसी कैरी ऑन नहीं कर पा रहे, या हमारे करियर की वजह से हो सकता है, हमारे बिजनेस की वजह से हो सकता है, या कुछ सिचुएशंस भी ऐसी हो सकती हैं कि जब हम आगे हमारी प्रेगनेंसी को केयर नहीं कर पाते, कंटिन्यू नहीं कर पाते, और ऐसे स्थिति में हमें जरूरत पड़ती है अबॉर्शन सर्विसेज की। अब जब अबॉर्शन सर्विसेज की बात आती है तो दूसरा एक मैटर, एक वर्ड और आता है, लीगल अबॉर्शन और इलीगल अबॉर्शन। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपको लीगल और इलीगल अबॉर्शन के बारे में बताने जा रही हूँ कि आखिर क्या लीगल है और क्या इलीगल है, कब आप आराम से पूरे विश्वास के साथ अबॉर्शन करवा सकते हैं, कब आपको लगता है कि ये इलीगल है और हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहली सलाह जो मैं हर लेडी को देना चाहूंगी या हर कपल को देना चाहूंगी कि किसी भी स्थिति में, कोई सी भी प्रेगनेंसी हुई हो, किसी भी सिचुएशन में, कभी भी ये विश्वास नहीं खोना चाहिए कि आपका डॉक्टर आपको सपोर्ट नहीं करेगा। सबसे पहले ये विश्वास आप अच्छे से कर लीजिए। लीगल इलीगल कोई मायने नहीं रखता है। लेडी की जिंदगी सबसे ज्यादा मायने रखती है जो लड़की प्रेग्नेंट हुई है, जो गर्ल प्रेग्नेंट हुई है। हमें उसकी जान बचानी है। कभी भी इलीगल या अवैध तरीके से गर्भपात कराने के कारण यदि महिला की जान चली जाती है तो हमारी सोसाइटी का और डॉक्टर्स का और सबका फेलियर है। तो ऐसा हमें कभी नहीं सोचना है कि हमारे डॉक्टर्स हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। हमेशा वो आपके साथ खड़े हैं और खड़े थे, खड़े हैं और खड़े ही रहेंगे, इस पे डटे रहेंगे। अब आपको क्या समझना है कि क्या लीगल और क्या इलीगल हो सकता है। यदि लड़की 18 साल से कम है और उसके पहले वो प्रेग्नेंट हो गई है तो ऐसी स्थिति में ये केस पॉक्सो एक्ट में जाता है, यानी कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट होता है, जिसमें कि यदि लड़की अडल्ट नहीं है, माइनर है, तो ऐसे स्थिति में डॉक्टर को अलाउड नहीं है कि वो डायरेक्टली उसका अबॉर्शन कर दे। इसके लिए यदि लड़की 18 साल से कम है तो उसके पेरेंट्स की कंसेंट जरूरी है, उसके माता और पिता का होना जरूरी है साथ में। अब इस डर के चलते कि यदि आप मम्मी पापा को कैसे बताएंगे और क्या होगा, क्या नहीं हुआ, वो कैसे रिएक्ट करेंगे, ये सोचने का टाइम नहीं रहता है। आपको हमेशा, जैसे मैं बोल रही हूँ कि डॉक्टर पे विश्वास करना है, वैसे अपने मम्मी पापा पे भी विश्वास रखना है। कभी भी कोई भी मम्मी और पापा अपने बच्चे का सपोर्ट ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि यदि कुछ गलत तरीके अपनाते हुए अगर आपने अबॉर्शन करवाया और उसके चलते आपकी जान चली गई, तो वैसे भी उनको कभी खुशी नहीं मिलनी और वो हमेशा दुखी ही हो जाएंगे। इससे बेटर है कि आप उन्हें समझाएं, अपनी सिचुएशन बता दें और उसके कंसेंट से मम्मी पापा को साथ लेकर आए, तो डॉक्टर आपका पक्के से सपोर्ट करेंगे। दूसरी, यदि आप अडल्ट हैं और आप 18 साल से ऊपर हैं, लेकिन यदि आपकी शादी नहीं हुई है और अभी आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हैं, तो डेफिनेटली तब भी डॉक्टर आपको अबॉर्शन के लिए मना नहीं करेंगे। आप अडल्ट हैं, आपकी कंसेंट सही है और आपके कंसेंट के ऊपर अबॉर्शन किया जा सकता है। अबॉर्शन मेडिकल और सर्जिकल दोनों तरीके से होता है, तो मेडिकल अबॉर्शन तो आप ले ही सकती हैं, उसमें किसी प्रकार का एनेस्थीसिया नहीं दिया जाएगा, तो किसी प्रकार का एडमिशन भी नहीं बनेगा। तो मेडिकल अबॉर्शन तरीके से यदि आप डॉक्टर से लेती हैं, सोनोग्राफी करवा कर, पूरा चेक करा के, अपनी फिटनेस चेक करा के, पूरी काउंसलिंग के साथ लेती हैं, तो डेफिनेटली आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा अच्छे से कर पाएंगे, अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाएंगे और अबॉर्शन भी करवा सकेंगे, आगे प्रेगनेंसी होने में भी तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन यदि यही तरीका आपने गलत तरीके से किया, यानी कि डॉक्टर की कंसेंट के बिना लिया, कोई ऐसी जगह से लिया जो कि वैलिड नहीं है, तो वो फिर इनवैलिड हो जाएगा, यानी कि वो इलीगल गर्भपात हो जाएगा, इलीगल अबॉर्शन हो जाएगा। जैसे कि आपने किसी मेडिकल स्टोर से बिना किसी जांच के इलीगल तरीके से दवाई ली, जो एमटीपी किट आता है वो लीगल तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर ही आपको डिस्पेंस कर सकता है। मेडिकल स्टोर पर एमटीपी किट को बेचना अवैध है। अगर वो कोई भी मेडिकल वाला आपको दवाई दे रहा है, यानी कि उसने इलीगल तरीके से रिसोर्स करी है दवाई को और वो बिना किसी उसके लीगलिटी के दे रहा है, और वो आपके स्वास्थ्य की कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, तो 2-5 हजार रुपए बचाने के लिए आप अपने स्वास्थ्य को रिस्क पर ना डालिए। गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर लीगल तरीके से मेडिकल अबॉर्शन करवा सकती हैं। अब तीसरी सिचुएशन हो सकती है कि यदि आप प्रेग्नेंट हैं, आप एडल्ट भी हैं, आप मैरिड भी हैं, और लेकिन आप मैरिड भी हैं और उसके बाद में आपको प्रेगनेंसी हुई है,
तो हर तरीके से लीगल है, उसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप डॉक्टर के पास जाके आराम से अबॉर्शन करवा सकती हैं, आप मेडिकल अबॉर्शन ले सकती हैं, सर्जिकल अबॉर्शन ले सकती हैं। अब यहाँ एक बात आती कंसेंट की, कि पति के कंसेंट की और अवेलेबिलिटी की। जनरली डॉक्टर्स ये प्रेफर करते हैं कि पति की कंसेंट हो, उसके साथ ही हम अबॉर्शन करें, क्योंकि कई बार फैमिली मैटर होता है, पारिवारिक मामले होते हैं, और उसमें कई बार डॉक्टर फंस जाते हैं कि अगर हमने बिना हस्बैंड की या उनके ससुराल वालों की कंसेंट के करते हैं तो कई बार प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए डॉक्टर्स जनरली ये प्रिफर करते हैं कि उनके परिवार वाले साथ आएं। लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है कि नहीं आपको अबॉर्शन करवाना है, तो आपकी अकेली की कंसेंट काफी है, आपकी कंसेंट पे अबॉर्शन किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आपके हस्बैंड की कंसेंट आपके साथ हो। अगर आप चाहती हैं, आप मां नहीं बनना चाहती, तो आपको ये पूरा अधिकार है कि आप ये डिसीजन ले सकें कि आप अपना गर्भपात करवा सकें, अबॉर्शन करवा सकें। और आप दोनों तरीके से गर्भपात करवा सकती हैं, यानी मेडिकल और सर्जिकल, दोनों तरीकों में से आप कोई भी चूज कर सकती हैं। ये जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करती है वो आप चूज कर सकती हैं, बट फिर भी प्रिफरेबल ये रहेगा कि आपके साथ आपका कोई भी फैमिली मेंबर एक हो। आपकी सिस्टर हो सकती है, फादर मदर, आपके हस्बैंड, आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, कोई भी हो सकता है, लेकिन आपका एक रिलेटिव होना चाहिए जिससे कि कंसेंट प्रॉपर हो और आपकी टेक केयर भी कर सके। क्योंकि हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आए तो एक फैमिली मेंबर हो तो अच्छा रहता है। लेकिन अब यदि आपने फिर यही अगर आपने किसी डॉक्टर से नहीं करवाया जो कि एमएस गाइनी है, आपने किसी ऐसे हॉस्पिटल में नहीं करवाया जो एमटीपी के लिए रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर ऐसे डॉक्टर भी है रजिस्टर्ड भी है लेकिन उसके पास फैसिलिटीज बाई चांस नहीं है, ऐसी किसी स्थिति में, ऐसे किसी स्थान पर, ऐसे किसी प्लेस पर आपने अबॉर्शन करवाया है, तो ये तीनों इलीगल है। यानी कि अगर तीनों में से कोई भी एक चीज नहीं है तो वो एमटीपी, वो अबॉर्शन इलीगल हो जाता है। लीगल वैलिडिटी के लिए आपका एडल्ट होना जरूरी है, दूसरा आपका डॉक्टर एमएस गाइनी होना जरूरी है, तीसरा जो हॉस्पिटल है वो एमटीपी सेंटर या पीसीपी एंटिटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए, चौथा उस हॉस्पिटल के अंदर एमटीपी से रिलेटेड सारी सुविधाएं और इमरजेंसी केयर करने वाली सारी सुविधाएं होनी चाहिए। इसके साथ जब ये चारों पांचों चीज एक साथ होती है वो ही एक लीगल अबॉर्शन होता है। मेडिकल और सर्जिकल दोनों लीगल होते हैं, लेकिन यदि आपने मेडिकल अबॉर्शन एक मेडिकल वाले से ले लिया, मेडिकल स्टोर से लिया है, तो टोटली इलीगल है। आप माइनर हैं, आपने बिना किसी डॉक्टर के परमिशन के लिया है, देन ऑल्सो इट इज लीगल। और यदि आप ऐसी किसी स्थिति में, परिस्थिति के तहत आपने किसी ऐसी जगह से, किसी नर्स से या किसी आरएमपी से जो कि क्वालिफाइड नहीं है, और किसी ऐसी जगह पर आपने अबॉर्शन करवा लिया, तो वो भी इलीगल है। तो मैं समझती हूँ कि आपको आज ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि लीगल और इलीगल अबॉर्शन क्या होता है। और इससे रिलेटेड यदि फिर भी आपके कोई सवाल है जो हमारे इस पूरे वीडियो में कवर नहीं हुए हैं, तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे, और आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।